हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में कि अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा का पाउडर लेने के आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अश्वगंधा लेने के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं, लेकिन हम दो इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अश्वगंधा एक बहुत पावरफुल औषधि है जो हमें कई परेशानियों से बचाता है, हमें कई बीमारियों से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है, क्योंकि अश्वगंधा के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अश्वगंधा का यूज हम दो चीजों में ज्यादा करते हैं। सबसे फर्स्ट, अश्वगंधा का यूज ज्यादातर स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यदि पुरुषों में स्टेमिना की कमी है या आप जब भी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको थकान महसूस होती है, आप कोई भी काम करने में आपके हाथ पैर बिल्कुल कमजोर से महसूस होते हैं, तो आप अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करती है। फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाती है और मेंटली आपको फिट रखती है। तो यदि आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है, आप रात भर करवटें चेंज करते रहते हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है और सुबह आप बहुत ज्यादा आलस भी आता है, जिसके कारण आप दिन को प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए एक प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है या आपको स्टेमिना की कमी है, आप कमजोरी महसूस करते हैं, तो अश्वगंधा जरूर लें, क्योंकि अश्वगंधा की जो पत्तियां होती हैं उसमें ट्राइथिलीन ग्लाइकोल मौजूद होता है, जो कि नींद से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है, साथ साथ मेल स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। सेकंड हेल्थ बेनिफिट है कि यदि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है या हार्ट ब्लॉकेज की समस्या है, तो आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करें। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करती है और आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये LDL लेवल को कम करती है और HDL लेवल को बढ़ाती है। आपने गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में सुना होगा, तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। साथ साथ अगर ब्लॉकेज की समस्या है तो भी आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करें, ये ब्लॉकेज को बहुत हद तक कम करने में मदद करती है। तो अश्वगंधा आप इन दो बीमारियों के लिए जरूर लें। अगर आपको स्टेमिना की कमी है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है या आप फिजिकली मेंटली वीक महसूस करते हैं, तो आप अश्वगंधा का सेवन करें। और हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आप अश्वगंधा का सेवन जरूर करें। अश्वगंधा बहुत सारी बीमारियों में काम आती है, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसमें अश्वगंधा का आप सेवन जरूर करें। ये वीडियो छोटा है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप अश्वगंधा के जो मेन फायदे हैं उसके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। अश्वगंधा के ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फायदे हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।